हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम किसी इंग्रेडिएंट के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आज बात करेंगे एक कुकिंग डिवाइस के बारे में। सो बहुत मुझे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जब मैं माइक्रोवेव से रिलेटेड कोई रेसिपी डालती हूँ कि इज इट हेल्दी। हमने सुना है कि माइक्रोवेव कैन कॉज कैंसर, क्या इससे न्यूट्रिएंट्स खराब नहीं होते फूड के? इज इट अ हेल्दी वे ऑफ कुकिंग? कैन माइक्रोवेव लीड्स टू इनडाइजेशन? तो इन सारे ही सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि क्या होता है माइक्रोवेव, कैसे इसमें कुकिंग होती है, कैसे ये फूड को हीट करता है। सो माइक्रोवेव के अंदर होती है माइक्रोवेव्स, यानी छोटी वेव्स। माइक्रोवेव जो होता है वो नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करता है, जो रैपिडली फूड को कुक कर देता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेडिएशन होती है, ये उन ट्यूब से बनती है जो माइक्रोवेव में ऊपर की तरफ होती है। इन ट्यूब्स को मैग्नेट्रॉन्स कहा जाता है। ये जो वेव्स होती है या फिर जो रेडिएशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन्हें अब्सॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत तेज वाइब्रेशन होने लगती है और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारा खाना कुक होता है या फिर हमारा खाना हीट होता है। तो सेलुलर डैमेज करने के लिए इन वेव्स को खाने के अंदर जो एटम्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज ये वेव्स इतनी पावरफुल नहीं होती है। दे कैन नॉट चेंज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फूड। इसीलिए ये बिल्कुल गलत है कि माइक्रोवेव के अंदर जो कुकिंग है, इट कैन कॉज कैंसर, इट कैन कॉज एनी सेलुलर डैमेज। इट कैन नॉट कॉज एनी सेलुलर डैमेज इन ह्यूमन बॉडी। जैसे ही माइक्रोवेव को हम बंद करते हैं, तभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है और खाना जो है वो उसी तरह का रह जाता है। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये जो वेव्स हैं, वो खाने के अंदर स्टोर नहीं हो जाती हैं या फिर उनके अंदर लगातार बनी नहीं रहती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ कि क्या इससे खाना अनहेल्दी हो जाता है या उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं? तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन होती है, वो अगर ज्यादा हो जाती है, यानी ओवर कुकिंग अगर हो जाती है माइक्रोवेव के अंदर, तो आपका खाना जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो काफी रबरी हो जाता है, इट बिकम्स रियली ड्राई, क्योंकि वो जो वाटर होता है वो एवेपोरेट हो जाता है। किसी भी तरह की जो कुकिंग होती है वो खाने से न्यूट्रिएंट को कम करती है, सेम गोज फॉर माइक्रोवेव, लेकिन वो हमारी कन्वेंशनल कुकिंग में भी होता है। यस, कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक मानना है कि क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर कुकिंग काफी जल्दी होती है, जो हमारी कन्वेंशनल कुकिंग होती है ना, उसे 3 गुना ज्यादा जल्दी ये खाने को कुक कर देता है, ऐसे में न्यूट्रिएंट्स कम लॉस होते हैं। एक जो डिसएडवांटेज मैंने देखी है वो ये है कि माइक्रोवेव कई बार इवनली कुक नहीं करता है, स्पेशली एज आई सेड कि ये जो वेव्स होती हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं। तो अगर आपने खाने को बोल को थोड़ा सा भी इधर उधर रख दिया प्लेट से, तो खाना अनइवन होता है आपका कुक, साथ ही ऊपर से जल्दी कुक होता है, क्योंकि ये जो फ्लूइड है वो ऊपर से गर्म होने लगता है, लेकिन जो नीचे बेस में खाना गर्म या कुक जल्दी नहीं होता है। ऐसे में अगर आप कोई लिक्विड इसके अंदर हीट कर रहे हैं तो उसे स्टर करना बहुत जरूरी है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि हो सकता है कि विटामिन सी का जो लॉस है, क्योंकि इसके अंदर वाटर एवेपोरेट होता है, ढककर कुकिंग नहीं होती, तो उसका लॉस जो है माइक्रोवेव में ज्यादा हो सकता है। कुछ लिमिटेड स्टडीज में ये भी पाया गया है कि विटामिन B12 जो होता है वो भी इसके अंदर लॉस हो जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इससे कैंसर नहीं होता है, बल्कि जो साइड इफेक्ट्स होते हैं माइक्रोवेव की, वो होते हैं उस कुकवेयर से जिनके अंदर आप कुकिंग करते हैं। तो जब हम माइक्रोवेव को खरीदते हैं ना, वी गेट दोज प्लास्टिक कुकवेयर्स, या फिर इन जनरल भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्लास्टिक को यूज करते हैं। प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, स्पेशली अगर वो BPA फ्री नहीं है, तो वो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो फूड के अंदर लीच हो जाते हैं, यानी वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, एंड दैट फूड देन बिकम्स हार्मफुल फॉर यू। तो किस चीज में आप कुकिंग कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप माइक्रोवेव के अंदर हीट करते हैं या कुक करते हैं, तो आप
ग्लास कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो पैकेज्ड फूड आता है, जो रीहीट करके खाना होता है हमें, वो पैकेज्ड फूड आपके लिए अनहेल्दी होता है। दैट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, इनडाइजेशन एंड अदर डिजीज। जो रेडी टू ईट फूड आता है, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में फूड ऐसे आते हैं जो आप सीधा माइक्रोवेव के अंदर पॉप कीजिए, एक मिनट के लिए हीट कीजिए, बैठ के खा लीजिए, चाहे वो पिज्जाज हो, फ्रोजन फूड हो, या कोई और रेडी टू ईट कन्वेंशनल फूड हो, जैसे कि राइस भी मैंने देखे हैं, या फिर जो माइक्रोवेव के अंदर पॉप करके पॉपकॉर्न्स बनते हैं, दे आर डेंजरस फॉर योर हेल्थ। नो, ये साइंटिफिक परसेप्शन है, क्या साइंटिस्ट मानते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि माइक्रोवेव कुकिंग सेफ है, इसके अंदर जो वेव्स होती हैं दे आर नॉट हार्मफुल फॉर यू, वो जो रेज होती हैं वो आपके खाने के अंदर नहीं रहती हैं जब आप उसे कुक कर लेते हैं। बट आयुर्वेद के प्रस्पेक्टिव को एज इंडियन हमें डिस्कस करना जरूरी है। नाउ आयुर्वेद में जिस मेथड को रेकमेंड किया जाता है कुकिंग के लिए, वो है स्लो मेथड। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बेस्ट जो मेथड है वो है कि आप क्ले पॉट के अंदर कुकिंग करें और स्लो कुकिंग करें। आयुर्वेद कहता है कि जब हम माइक्रोवेव के अंदर कुक करते हैं, वो सिर्फ ऊपर से खाने को गलाता है, लेकिन उसके अंदर से अच्छी तरह जो ब्रेकेज होता है फाइबर का, वो नहीं हो पाता, लेकिन उसकी जो कुकिंग है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाती। इसकी वजह से माइक्रोवेव के खाना जब हम कुक करते हैं, वो हमारे बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ दी लेस कुकिंग और बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कुकिंग। तो आयुर्वेद जो है वो माइक्रोवेव की कुकिंग को इनकम्प्लीट मानता है। ह्यूमन बॉडी उस खाने को अच्छी तरह मेटाबोलाइज भी नहीं कर पाती है, अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उसे लगते नहीं है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जब भी हम हीटिंग करते हैं माइक्रोवेव के अंदर, हम करते हैं कि हमने फ्रिज खोला, उसके अंदर से खाना निकाला और सीधा माइक्रोवेव के अंदर पॉप कर दिया। ऐसे में क्या होता है कि जब भी सडन टेम्परेचर चेंज होता है खाने के अंदर, यानी जब भी ठंडा खाना तुरंत हम गर्म करते हैं, तो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। उस एयर के ट्रैप होने की वजह से आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसीलिए वात दोष जिन लोगों को है, उन्हें माइक्रोवेव कुकिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप इस तरह कुकिंग करते भी हैं, अगर माइक्रोवेव में हीट करते हैं, तो मेक श्योर कि उसे आप रूम टेम्परेचर पे लाएं पहले उस फूड को, एंड देन यू पॉप इट इनटू द माइक्रोवेव। सो माइक्रोवेव कुकिंग इज नॉट अनहेल्दी, बट अगर आप बहुत ऑफन उसके अंदर कुकिंग करते हैं, तो यस, इट कैन कॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज उसके न्यूट्रिशन जो है वो ठीक से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी जो फूड उसके अंदर कुक होगा। जब भी हम खाने को कुक करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंजेस होते हैं ना, वो केमिकल चेंजेस जब हम स्लो कुकिंग करते हैं तो अलग होते हैं, और जब इस तरह की सुपर फास्ट कुकिंग करते हैं तो अलग होते हैं। तो वो केमिकल चेंजेस जो होते हैं, ये वाले केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, इतने अच्छे नहीं होते एज कम्पेयर टू स्लो कुकिंग मेथड को जब हम फॉलो करके कुक करते हैं। तो आयुर्वेद इसीलिए माइक्रोवेव कुकिंग को इतना रेकमेंड नहीं करता है। बट मॉडर्न जमाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कपकेक्स बना रहे हैं या फास्ट कुकिंग कुछ करने के लिए, हीट करने के लिए। सो मेरा वर्डिक्ट यहाँ पर एंड में यही होगा, इफ यू हैव अ माइक्रोवेव इन योर हाउस, यूज इट, बट डोंट यूज इट ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डे टू डे बेसिस, कि आप कुकिंग इसके अंदर पूरी तरह करना शुरू कर दें और अपनी जो कन्वेंशनल मेथड है, जो हमारा स्टोव मेथड है, उसे भूल जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे भी खाने को रीहीट करना आयुर्वेद में बोला गया है इट इज नॉट हेल्दी फॉर यू, स्पेशली फीमेल्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही हैं, मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करती हूँ कि वो खाने को बार बार इस तरह रीहीट करके खाएं। सो इन जनरल फ्रेशली कुक्ड फूड ही अगर आप खाएं तो अच्छा रहेगा। माइक्रोवेव इटसेल्फ इज नॉट हार्मफुल, उसकी रेडिएशंस आपके लिए हार्मफुल नहीं है। सो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप माइक्रोवेव को यूज करेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।